हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैरिकोस अल्सर्स के बारे में। मैं डॉक्टर अशांक बंसल हूं और अगले दो मिनट में मैं आपको वैरिकोस अल्सर क्यों होता है, कैसे होता है, उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, उसके बारे में बताऊंगा। वैरिकोस अल्सर्स उन पेशेंट्स को होते हैं जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग वैरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, पिछले 5 या 10 सालों से मिनिमम। इसमें जनरली शुरुआत ऐसी होती है कि एक छोटा सा घाव होता है या कुछ चोट लग जाती है और फिर वो घाव बराबर से ठीक नहीं होता है। ये वैरिकोस वेन्स की सबसे एडवांस्ड स्टेज है और इसके लिए ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल है, नहीं तो अल्सर बढ़ता जाता है। इसमें पहले हम वैरिकोस वेन्स की लेजर सर्जरी करते हैं, जिसमें हम वो जो वेन्स ओपन हुई है उनको लेजर द्वारा बंद करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल बैंडेज, जिसको हम बोलते हैं 4-लेयर बैंडेज, वो हम चालू करते हैं। ये बैंडेज हफ्ते में एक बार बांधी जाती है और जनरली हमारा कोई एक आदमी पेशेंट के घर जाके उनको बांध देता है, ताकि पेशेंट को स्पेसिफिकली इसके लिए हॉस्पिटल ना आना पड़े। डिपेंडिंग अपॉन अल्सर साइज, कि कम से कम 4 से 8 बार ऐसे बांधनी पड़ सकती है। बट वैरिकोस अल्सर्स की खास बात यह है कि अगर ट्रीटमेंट अच्छी तरह ली जाए, ये बैंडेज अच्छी तरह की जाए, तो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पेशेंट्स के वुंड्स बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको 5 साल 10 साल से अल्सर्स हैं और हमारे पास 2 से 3 महीने में उनके अल्सर्स हील हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट www.thevascularcenter.in पे कॉल कीजिए।